ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रोशनी है और मैं गुजरात की सूरत की रहने वाली हूँ। तो मैं पिछले 6 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और आज मैं आप सबसे एक अपना बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो ये एक्चुअली 21 नवंबर की बात है, जब मैंने इस चैनल पे देखा एक वीडियो जिसमें था कि भगवान से मिलने की इच्छा हुई पूरी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल वीडियो थी। तो मैंने इसको 22 नवंबर को देखा और देख के मुझे भी बहुत बहुत प्रेरणा मिली इससे। तो मैंने भी सोचा कि अगर भगवान उनसे मिलने आ सकते हैं तो शायद वो मुझसे भी मिलने आ सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो अगर रात भर जागने से बाबा आते हैं तो मैं भी रात भर जगूंगी और बाबा से मैं भी मिलूंगी। तो ये सोच के मैं रात को बैठी। एक्चुअली उस दिन मैं पुणे से गुजरात आई थी, तो मैंने ट्रैवल किया था तो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरा शरीर थका हुआ है पर मैं नहीं, आपको आज आना ही पड़ेगा मुझसे मिलन मनाने के लिए। तो मैं बैठी रही और मैं यही सोच रही थी कि बाबा कैसे आएंगे, क्या बाबा आसमान में मुझे दिखेंगे या फिर मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने वाली जो दीवार है दीवार पे बाबा दिखेंगे, या मेरे रूम के ठीक सामने में किचन है तो किचन में मुझे दिखेंगे। तो ये सोचते सोचते अगर कभी भी मुझे नींद आ जाती थी या ऐसे झपकी लगती थी तो कुछ ना कुछ साउंड या कुछ तो ऐसा होता था जिससे मेरी नींद टूट जाती थी। और ऐसे ही करते करते जब 1:04 से 5 मिनट पहले किचन से मेरे जो रूम है मेरा, जो उसमें जो दरवाज़ा था उसमें इतना सा गैप था, उस गैप के थ्रू मुझे अचानक से 3 सफ़ेद किरणें मुझे उसके थ्रू अंदर आता हुआ दिखा। जिस वक्त मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी इतनी खुशी हुई वो देख के। और मेरे ठीक बाजू में मेरी मम्मी सो रही थी जिस रूम में, वो रूम पूरा वाइट प्रकाश से भर गया और मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे बाबा ही हैं। और उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं इतनी खुश थी कि खुशी के मारे मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और मैंने बाबा का बहुत 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 शुक्रिया किया कि मेरे एक बुलावे पे बाबा मुझसे मिलने आ गए। तो आप सब जो भी देख रहे हो, आप सभी को मेरी ये प्रार्थना है कि बाबा के ऊपर 100% निश्चय रखें, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से, हम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता है। ओम शांति। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें ज़रूर बताएं। हम आप सभी दिव्यात्माओं को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ इस बहन के द्वारा प्रयोग किया गया बाबा शब्द निराकार परम पिता परमात्मा शिव के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए एक अनुभव के आधार पर ही इस बहन को यह प्रेरणा मिली थी। उस अनुभव का लिंक भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वर्तमान समय यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। केवल संगम युग पर ही स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हम आत्माओं से मिलने आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का संगम होने के कारण ही इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में फिर वो लोग नदियों के संगम पर स्नान करने को शुभ मानते हैं। तो वास्तव में किसी भी नदी में स्नान करके आज तक कोई पावन नहीं हुआ है। आत्माएं पावन बनती हैं तो केवल राजयोग के द्वारा, जो स्वयं परमात्मा शिव केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम आत्माओं को सिखाते हैं। तो राजयोग कोर्स सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज केंद्र से संपर्क करें। यह कोर्स बिल्कुल निशुल्क है। ओम शांति।